बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और आज कविता बिस्ट ब्लॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। और सुबह सवेरे मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी, और क्योंकि आज हम जा रहे हैं डाट काली मंदिर। आज मैंने पहनी हुई है रेड कलर की साड़ी, और डाट काली मंदिर जाने के बाद मैं आपको भगवान माता काली के दर्शन कराऊंगी, और आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। चलेंगे डाट काली मंदिर, और क्या क्या होता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और यहाँ पर बहुत भीड़ है। देखिए कितनी गाड़ी पार्क हो रखी है। डाट काली मंदिर में हमेशा इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यह है डाट काली मंदिर का बाहर का नज़ारा। चुके हैं हम डाट काली मंदिर के बाहर, और ये बाहर का नज़ारा है, और भीड़ आप देख सकते हैं। डाट काली मंदिर में हमेशा ऐसी ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, लोग जब भी नई गाड़ी लेते हैं तो डाट काली मंदिर ही अपनी गाड़ी की पूजा करवाने आते हैं। इससे अच्छा गाड़ी में खोल के आते हैं। और मैं भी ले चुकी हूँ, ये देखिए, चढ़ाने के लिए प्रसाद। आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर। देखिए यहाँ पर हमेशा आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे हमेशा भंडारा वगैरह भी चलते रहते हैं, और लोग अपनी नई गाड़ी की पूजा करने यहीं डाट काली मंदिर में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भक्तों की भीड़। कीर्तन मंडली बैठ करके कीर्तन कर रही है। यह है कीर्तन मंडली। मंदिर में बैठे हुए हैं भक्तजन, और भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। देखिए आप लोग भी कर लिए डाट काली माँ के मंदिर, और अंदर की फोटो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अंदर की फोटो लेना अलाउड नहीं है। और ये बाहर पे जो है भगवान रखे हुए हैं छोटे छोटे, मैं आपको उनके दर्शन करा देती हूँ, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पर है माँ डाट काली की हवन कुंडी, और ये हमेशा यूं ही जलती रहती है। और ये आप देख सकते हैं काली माँ के लिए यहाँ पर लोगों ने नारियल नींबू और चढ़ाए हुए हैं, और भक्तों की बहुत भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए,
अपनी नई गाड़ी की पूजा डाट काली मंदिर में तो बनता ही है, क्योंकि जब कभी नई गाड़ी लेते हैं तो डाट काली में ही पूजा की जाती है गाड़ी की। प्रसाद वितरण, माता रानी का प्रसाद लेकर सब अपने अपने घर को जाएंगे। पर हमेशा डाट काली मंदिर में लगता है भंडारा, और देखिए आप लोग यहाँ पर लोग भंडारे का प्रसाद चख रहे हैं और हम भी चलेंगे प्रसाद लेने के लिए। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हुए, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, कुछ बैक साइड में, कुछ इस साइड में, और सब लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं बड़े प्रेम से यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है। और ये हमारे संगी साथी, इन्हें अभी नहीं मिला हुआ है प्रसाद, ये अभी अभी बैठे। तुमको नहीं मिला अभी? अभी नहीं मिला, अभी आने वाला है। अभी प्रसाद ग्रहण, हाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। अमिता तुझे भी नहीं मिला प्रसाद? प्रसाद नहीं मिला, चल अब हम भी बैठते हैं और प्रसाद का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहाँ से? अच्छा, और भंडारा आप लोगों का है? अच्छा, और जो कीर्तन हो रहे थे वो भी आपके ही सब लोग हैं? अच्छा, बहुत अच्छी ढोलकी बजाई आपने और अच्छे भजन किए, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा। और ये आ चुका है स्वीट डिश, स्वीट डिश में बना है हलवा, ये देखिए। अमिता और मैं भी बैठ चुके हैं अब प्रसाद ग्रहण करने के लिए और लग चुकी है हमारी थाली, ये देख सकते हैं आप। मैं बताती हूँ अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये देखिए। अब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद ग्रहण से करने से पहले बोलो काली मैया की जय। और ये आ चुके हैं काले चने, ये है माता का प्रसाद और काली माँ के लिए काले चने का ही भोग लगता है। जमुई दराजा जिस तेरा पवन माया मंदिर बिच आरती जय माँ पवना वाली आरती। प्लेट में उन्होंने डाली तीन पूरी, आंटी कह रही है कि तीन खराब होता है। हमारे यहाँ भी यही माना जाता है कि तीन रोटी या तीन पूरी थाली में नहीं रखते हैं। आंटी जी आपके यहाँ भी नहीं रखते हैं ना? या दो या चार आपके यहाँ? हाँ, एक रखो दो रखो तीन नहीं रखते। हाँ, हमारे इधर भी बुरा मानते हैं, देखो सब जगह ये है ना, वही रिवाज है सब जगह। ये सामने पे भंडारे में बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची, और लोगों ने बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लाए हुए हैं और आप देख सकते हैं सामने पे प्यारी सी बच्ची, ये देखिए माँ दुर्गा का रूप। तो देखिए इधर को देख रही हो, हाँ बहुत प्यारी है जिनका भंडारा लगा हुआ है। और ये भैया इतनी अच्छी ढोलकी और इतने अच्छे भजन करते हैं, वो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो। इनके भजन सुन के तो मन गदगद हो चुका है हमारा, और बहुत ही अच्छे भजन करते हैं। भगवान ने इनको इतना अच्छा गला दिया है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भैया की हर मनोकामना पूर्ण हो और भैया ऐसे भंडारे लगाते रहे। भैया बताओ किस खुशी में दिया है आपने भंडारा? ये हमने बहुत टाइम से बोल रखा था घर के मकान का और माता रानी ने पूरा करा उसके। अच्छा, आपकी मन्नत पूरी हुई है, ठीक है भैया धन्यवाद। देखिए ये भाई साहब निंद्रा में है क्योंकि इन्होंने की थी नाइट ड्यूटी और डे में ये बिल्कुल सोए हुए हैं। देवी का भैरव देखिए, बिल्कुल मंदिर के बाहर इतने हल्ला गुल्ला में, इतने भीड़ भाड़ में निंद्रा में है ये क्योंकि रात नाइट ड्यूटी पे थे। देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर में है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो और यहाँ पर आप जूते चप्पल रख सकते हो और इधर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये देखिए लोग उतर चुके हैं यहाँ पे। ताई जी प्रणाम, दीदी प्रणाम, बाय बाय बाय। इसको पीछे का रखिए तो, बाय 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 बाय। प्रसाद लेंगे, बाय बाय। चुके हैं हम मंदिर से दर्शन कर घर पे, और आज मैंने आपको काली माता के दर्शन कराए और डाट काली घुमाई। अगर आप लोगों का मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ और नई जगह लेकर, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।